व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज दीपक सिगोल, वेलकम टू बीइंग द फिटेस्ट। आज के वीडियो में फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करने वाले हैं। सुबह में जब आप उठते हो तो बॉडी में बहुत सारी स्टिफनेस होती है, या फिर पूरे दिन का कामकाज करने के बाद थोड़ा हमें रिलैक्सेशन जो चाहिए, तो आज की स्ट्रेचिंग रूटीन से आपको मिल जाएगा। आज का स्ट्रेचिंग रूटीन आपको फ्लेक्सिबल बनाएगा, एजाइल रखेगा और साथ ही साथ बॉडी में जो स्टिफनेस है, जो पेन है, उसको कम करने में आपको हेल्प करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फुल बॉडी स्ट्रेचिंग रूटीन की। सबसे पहले थोड़ा सा बॉडी का वार्मअप कर लेते हैं। दोनों आर्म्स को आगे की ओर घुमाइए, रिवर्स 2, 3, 4 and 5, एल्बो सर्कल्स 5, 4, 3, 2, 1, रिवर्स 5, 4, 3, 2, 1, साइड बेंडिंग 3, 2 and 1, राइट साइड 3, 2, 1, बैकवर्ड बेंडिंग पीछे की ओर 3, 2, 1, फॉरवर्ड बेंडिंग 5, 4, 3, 2, 1, ट्विस्टिंग 5 रिपीटेशन 5, 4, 3, 2, 1, हिप रोटेशन 5, 4, 3, 2, 1, एंटी क्लॉक 5, 4, 3, 2 and 1, नी रोटेशन 5, 4, 3, 2 and 1, एंटी क्लॉक। बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश मत कीजिए, आराम से गो विद द फ्लो, इजी। काफ रेज 5, 4, 3, 2 and 1, शोल्डर का इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशंस 5, 4, 3, 2 and 1, साइड रेज 5, 4, 3, 2, 1, प्रेस 5, 4, 3, 2, 1, फ्रंट रेज 5, 4, 3, 2, 1, रियर पीछे की ओर 4, 5, बहुत बढ़िया। शोल्डर स्ट्रक्स 4, 3, 2, 1, बैकवर्ड स्ट्रक्स 5, 4, 3, 2, 1, ऊपर की ओर 5, 4, 3, 2, 1, नेक डाउन अप डाउन डाउन। नाउ साइड टू साइड, साइड लेफ्ट साइड राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, अराउंड अपने आसपास देखना है, बिना शोल्डर को हिलाए, सिर्फ नेक की मूवमेंट, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, आराम से अपने लेवल पर करना है। रोटेशन बढ़िया 1, इजी, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, आराम से, पेन ना हो इस तरह से, इजी। एंटी क्लॉक 1, 2, 3, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जंपिंग करेंगे हम लाइट, पहले थोड़ा स्पॉट जॉग आराम से 1, 3, 2, 1, हल्का सा जंप लीजिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, साइड जंपिंग जैक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगेन टो जंप 5, 4, 3, 2, 1, अब नी रेज करेंगे 2, 3, 4, 5, नाउ हाई नीज अप, गुड, कीप चेंजिंग 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बहुत बढ़िया। सो ये हो गया हमारा वार्म अप रूप, अब शुरुआत करते हैं बॉडी को स्ट्रेच करने की। वार्म अप हमने इसलिए किया है ताकि जो बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, सर्कुलेशंस बढ़ जाए, सारे जो हमारे मसल्स है, टिश्यूज है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़े, वो थोड़ा नरम हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिस्ट जॉइंट की। आपका जो रिस्ट है, हाथ को सीधा कीजिए और नीचे की ओर दबाइए, ज़्यादा जोर नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आराम से अपने लेवल पर 3, 2 and 1, अब उसे उल्टा करके 5, 4, 3, 2 and 1, नाउ विथ योर लेफ्ट हैंड यहाँ पर दबा, यहाँ मत दबाइएगा, यहाँ बीच में। सो रिस्ट जॉइंट के मसल्स, एल्बो जॉइंट के मसल्स दोनों अच्छे से स्ट्रेच होंगे यहाँ पर। होल्ड ईयर 5, 4, 3, 2 and 1, बहुत बढ़िया। नीचे की ओर में 5, 4, 3, 2, 1, अब आपका जो राइट हैंड है उसे लेफ्ट शोल्डर पर रखिए और लेफ्ट हैंड से उसके एल्बो को दबाइए। अब यहाँ के जो मसल्स है उसमें आपको स्ट्रेच फील होगा 5 सेकंड के लिए 4, 3, 2 and 1,
एवरीवन, जब भी आप स्ट्रेच कर रहे हो अपना फोकस अपनी सांस पर लगाइए, तो मसल्स जो है वो अपने आप में लूज होगा और अच्छे से स्ट्रेच होगा। अपने लेवल पे करना है, ये मैं बार बार कहूँगा आपको, क्योंकि हमें बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना है अपने लेवल पर। बढ़िया, अब राइट हाथ है उसे उठाओ, एल्बो बेंड कर लीजिए, लेफ्ट हाथ से उस एल्बो को पकड़कर पीछे की ओर खींचिए। पूरा बॉडी ऊपर नहीं, बॉडी को न्यूट्रल रखना है। आप स्पाइन को न्यूट्रल रखने के लिए पेट को अंदर की ओर खींच सकते हो, और ये जो आपका हाथ है उसे देखिए, एक है ऐसे स्ट्रेच करना है, वो नहीं करना है हमें, बस स्ट्रेट खड़ा रहिए, एल्बो को पीछे की ओर खींचिए। सुपर, अपने लेवल पर ये सारे ट्राइसेप मसल्स में, शोल्डर के मसल्स में, उसमें अच्छे से स्ट्रेच फील होगा। हाथ को बदलेंगे हम, अब जो हमारा दूसरा वाला हाथ है लेफ्ट हैंड को, उसके मसल को स्ट्रेच करेंगे। फोकस सामने की ओर देखिए, पेट को अंदर की ओर खींच के रखिए, लास्ट 3 सेकंड 2 सेकंड। बहुत बढ़िया, अब आपकी जो नेक है उसको नीचे की ओर, चीन को अपने छाते के ऊपरी भाग में दबाइए। देखिए साइड से भी देख सकते हो, ये वाला नहीं, कीप योर बैक स्ट्रेट, बॉडी पोस्चर इरेक्टेड। अब चीन को ऊपर की ओर लेके जाइए, मुंह को बंद रखना, अच्छे से स्ट्रेट आएगा। इसे शिवलिंग की ओर खींचिए, ऊपर की ओर। बढ़िया, अब उसी तरह से साइड में, राइट साइड हल्का सा प्रेशर देना है तो अपने हाथ से दे सकते हो, 3 सेकंड 2 सेकंड एंड 1। उसी तरह लेफ्ट साइड झुकाइए, राइट साइड के मसल में स्ट्रेच को फील कीजिए, 5 4 3 2। अपने आसपास अराउंड 4 3 2 1। राइट साइड 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, अब बैकवर्ड बेंडिंग करने हैं, दोनों हाथ को ऊपर उठाना है, ऊपर उठाइए, कान के लेवल पर लेके आइए। अब यहां से अपर बॉडी को पीछे की ओर झुकाइए, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो आप अपने दोनों हाथ को बैक के निचले हिस्से में रख दीजिए और फिर बैकवर्ड बेंडिंग कीजिए, जो आपके लिए कंफर्टेबल है। 5 सेकंड होल्ड, 4 3 2 1। अब फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, लेकिन शुरुआत करेंगे हमारे हेड से। सो सबसे पहले आपका जो हेड है उसे छाती से लगाइए और वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा फोल्ड करते हुए नीचे की ओर जाए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर आपको कोई भी सर्वाइकल का इश्यू है, पेन हो रहा है, इमीडिएटली से स्टॉप कर दीजिए और वापस ऊपर की ओर आ जाइए। बढ़िया, और एक बार करेंगे, चीन को लगाना है छाती से और पूरी बॉडी को वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा फोल्ड करते हुए नीचे की ओर जाना है, नीचे की ओर जाना है, नीचे की ओर जाना है। सुपर, 3 सेकंड और होल्ड, 2 1 1। अब यही रिवर्स डायरेक्शन में, इसको रिवर्स लेना है, रिवर्स 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 लेना है। बहुत बढ़िया, अब साइड के मसल को स्ट्रेच करेंगे। एक लेग को सीधा रखिए, एक लेग आपके सामने 90 डिग्री एंगल पर रख दीजिए, इस तरह से। अब आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे सीधा रखिए, राइट वाले को ऊपर उठाइए और बेंड करना है। त्रिकोणासन भी कहते हैं इसे, कीप ब्रीदिंग हियर। अगर थोड़ा इसमें आपको वेरिएशन चाहिए तो आपका जो लेफ्ट लेग है उसे बेंड कीजिए इस तरह से, और आपका जो हाथ है उसे ऊपर की ओर उठाइए। ये हाथ को आप नीचे रख सकते हैं लाइक दिस। ये डिफिकल्ट है तो जो पहले मैंने बताया उस तरीके से कीजिए। 3 सेकंड और होल्ड, 2 एंड 1। बहुत बढ़िया, नाउ विथ राइट साइड, राइट वाला हाथ अब नीचे, लेफ्ट वाला हाथ ऊपर। सबसे पहले मैं त्रिकोणासन दिखाता हूं आपको, ट्रायंगल पोज। यस, ये आसान है आपके लिए, आप इजीली कर सकते हो। तो नी को बैंड कीजिए इस तरह से, ये नी बैंड कर लिया आपने, गुड। ये हाथ को अब जाने दीजिए इस तरफ। पांच सेकंड
फोर थ्री टू स्लोली ऊपर आ जाएंगे। सुपर। अब दोनों लेग को वाइड ही रहने दीजिए। बढ़िया। और फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, आगे की ओर आना है यहाँ पर। बढ़िया। और थोड़ा सा हम मूवमेंट देंगे इसे, 10 रिपीटेशन करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे और हेड को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। टच नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, जस्ट लेके जाओ, आपके लेफ्ट साइड के हैमस्ट्रिंग और बैक मसल में अच्छे से स्ट्रेच आएगा। नाउ विथ योर राइट साइड कॉन्सेंट्रेट, टेक अ बैलेंस। बढ़िया। और एक बार लेफ्ट साइड, और एक बार राइट साइड, और एक बार, और एक बार। सुपर सुपर। दोनों लेग को नजदीक लेंगे। अब यहाँ से जाएंगे हम अंजनेयासन। सो आपके लेफ्ट वाले नी को बेंड कर लीजिए, उसको नीचे रख दीजिए, राइट वाला नी 90 डिग्री एंगल पर इस तरह से। अंजनेयासन, अंजनी पुत्र हनुमान के नाम से अंजनेयासन कहते होंगे इसको उनकी पोजीशन थी ये। सो ये पोजीशन बना लीजिए। अगर आपका बैलेंस नहीं रहता है तो आप दोनों हाथ जमीन पर रख सकते हो, बैलेंस अच्छा है ऊपर आ जाइए। और अगर इसका थोड़ा आपको चैलेंजिंग बनाना हो तो हाथ को ऊपर उठा लीजिए और साइड में टिल्ट, एक साइड में, तो आपके जो हिप फ्लेक्सर्स के मसल है लेफ्ट साइड के अच्छे से स्ट्रेच होंगे, और आपके जो लैट मसल्स है साइड के मसल्स वो भी अच्छे से स्ट्रेच होंगे। 5 सेकंड और। 4, 3, 2। बहुत बढ़िया। अब लेग बदलेंगे, लेफ्ट वाला आगे, राइट वाला पीछे। सुपर गुड। बैलेंस अच्छा है तो यहां पर होल्ड कीजिए, बैलेंस बिगड़ रहा है हाथ का सपोर्ट ले लीजिए। अब आपका जो राइट हैंड है उठाकर कान से टच करो, थोड़ा सा साइड में बेंड हो जाओ, आप अच्छे से जो राइट साइड के हिप फ्लेक्सर मसल से उसमें स्ट्रेच आएगा, कॉन्सेंट्रेट। 3 सेकंड, 2 सेकंड एंड 1 सेकंड। अब जो आपका लेफ्ट लेग है उसे सीधा कीजिए, और लेफ्ट साइड के काफ और हैमस्ट्रिंग मसल में जो स्ट्रेच हो रहा है उसे फील कीजिए। अगर यहाँ पर स्ट्रेच नहीं आ रहा है तो बैक को थोड़ी सी सीधी कीजिए और थोड़ा सा आगे की ओर झुकिए। अब अच्छे से यहाँ पर स्ट्रेच आएगा। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। लेग चेंज करो, राइट साइड के काफ मसल्स में और हैमस्ट्रिंग मसल में स्ट्रेच को फील करेंगे। बढ़िया। थोड़ा सा आगे झुकोगे, ऑटोमेटिकली जो आपके मसल्स है उसमें स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। फोकस, फोकस ऑन ब्रीदिंग, फोकस ऑन ब्रीदिंग, फोकस ऑन ब्रीदिंग, फोकस ऑन ब्रीदिंग। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाएंगे हम इस तरह से। हाँ बढ़िया। इस वक्त आपका जो एंकल जॉइंट है वहाँ पर अच्छे से मसल्स में स्ट्रेच फील होगा, ये एंकल जॉइंट में अच्छे से स्ट्रेच फील होगा। बहुत से लोगों के एंकल जॉइंट के मसल्स काफ़ी टाइट होते हैं, इसलिए ये वो लोग ये स्क्वाटिंग पोस्चर में बैठ नहीं सकते हैं। पाँच सेकंड, 4, 3, 2, 1। अब यही इसी को उल्टा करके बैठ जाएंगे, उल्टा कर दो और यहाँ पर बैठ जाओ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आपको लग रहा है तो हाथ का सपोर्ट लेकर बॉडी को ऊपर रख सकते हो, और आपके लिए आसान है बस तो यहाँ पर उसमें स्ट्रेच आने दीजिए। बहुत बढ़िया। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब लेंगे हम इनर थाई स्ट्रेच, भद्रासन। दोनों लेग को क्रॉस कर दो और दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए यहाँ पर लगा दीजिए। कीप अ बैक स्ट्रेट। यहाँ से चाहो तो और लेग अंदर ले सकते हो, जो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मुताबिक ठीक है। बढ़िया। बैक को सीधी रखते हुए आगे की ओर थोड़ा झुकिए। बढ़िया। दोनों हाथ से आपके जो लेग्स है उसे भी आप थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हो।
10 सेकंड होल्ड करेंगे यहाँ पर। इनर थाई के मसल को अच्छे से स्ट्रेच मिलना चाहिए। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। धीरे 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 वापस ऊपर आ जाएंगे। अब करेंगे सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड, या आप जानू सिरासन भी कह सकते हो। राइट वाला लेग सीधा रखेंगे, लेफ्ट वाले लेग को बेंड करते हुए राइट लेग की इनर थाई के पास में रख देंगे इस तरह से। बढ़िया। अब यहाँ से दोनों हाथ को ऊपर उठाना है और आगे की ओर बेंड होना है। अगर आपके हाथ पैर तक नहीं पहुँच सकते हो तो आप नैपकिन का भी सहारा यहाँ पर ले सकते हो। अच्छे से एक स्ट्रैप की तरह वर्क करेगा, इसे यहाँ पर ले लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आपके हाथ नहीं पहुँचते हैं तो पहले पैर को लीजिए, इसको लगाइए और इसको सीधा कर लीजिए। बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम से करना है। नाउ बैक जो आपकी पूरी राउंड होगी उसको थोड़ी सीधी करो, ऑटोमेटिकली आपके जो हैमस्ट्रिंग के मसल से वहाँ पर स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा, ताप मसल में स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा, बैक के मसल में स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। स्टिफनेस को फील कीजिए, धीरे धीरे बॉडी अपने आप को खोलेगा। 10 सेकंड यहाँ पर होल्ड करेंगे हम, 10 सेकंड होल्ड करेंगे हम। सुपर। हेड को नीचे लेना है तो ले सकते हो। लास्ट 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। अब लेफ्ट वाले को सीधा करेंगे, राइट को मोड़ के लेफ्ट की इनर थाई के पास, दोनों हाथ ऊपर एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। सेम रिपीट करना है विथ योर लेफ्ट लेग, फोकस हियर। 7 6, फोकस ऑन ब्रीदिंग। 5 4 3 2, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे पहले एंड उसके बाद बैक को उठाएंगे। सुपर। अब यहां से आपके जो दोनों हाथ, उसको पीछे की ओर रखिए। शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेच करेंगे हम, शोल्डर मसल को खोलेंगे, आगे आते जाइए। यस यस, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्ट्रेच करना है। मैं कितना कर सकता हूँ, कोई और कितना कर सकता है, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने आप में कितना कर सकते हैं और कितना बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी बॉडी पार्ट को टच करने की कोशिश करेंगे तो हम फिर चीटिंग करेंगे, स्ट्रेच नहीं होगा और इवेंचुअली हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ेगी। बड़ा अच्छा स्ट्रेच देने के लिए आपके जो बॉडी है उसे ऊपर की ओर लीजिए। ये चेस्ट ऊपर उठाइए। अब अच्छे से शोल्डर जॉइंट में स्ट्रेच आ रहा होगा, फील दैट। कीप ब्रीदिंग। थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं तो जाओ। 5 सेकंड और होल्ड करेंगे। 4 3 2 एंड 1, बहुत बढ़िया। इस डायरेक्शन में हम अपने हाथ को लेकर जाते ही नहीं है पूरे दिन के दरमियान, इसलिए जब भी आप हाथ को पीछे लेकर जाओगे शोल्डर जॉइंट काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होगा। अब लेट जाइए, ग्लूटियल मसल को स्ट्रेच करते हैं, पवन मुक्तासन करेंगे। लेफ्ट लेग को सीधा रखो, लेफ्ट लेग का जो नी है उसे बेंड करते हुए अपनी चेस्ट की तरफ खींचना है। बढ़िया बढ़िया। ध्यान रहे, लेफ्ट लेग है बिल्कुल सीधा, नी और जमीन से लगाकर रखना है, और जो लेफ्ट का पंजा है उसे सीधा कर दो, बिल्कुल जमीन की ओर खींच के रखना। हाँ, ध्यान रखना लेकिन कि आपके मसल्स ना चढ़ जाए, हैं हाँ, क्रैम्प आएगा तो उसे रिलैक्स कर देना है लेग को। 5 सेकंड और करेंगे हम। 5 4 3 2, अभी ये पोजीशन को छोड़ना मत। यहाँ पर अब आपका जो चीन है उसे उठाओ और लेफ्ट राइट वाले नी को टच करने की कोशिश कीजिए। टच नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा लिफ्ट करके रखिए। चीन टच किया, हेड टच किया, धीरे से वापस नीचे आ जाओ। राइट वाले लेग को सीधा कर दो। राइट वाले लेग का पंजा खींचा हुआ है, नी जमीन से लगा हुआ, लेफ्ट वाले को उठाकर चेस्ट की ओर खींचिए। सुपर, क्या बात है। कीप ब्रीदिंग हियर। 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 7 6, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। ग्लूटियल मसल्स में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, अब हेड को ऊपर उठाएंगे, हेड को ऊपर उठाएंगे, हिप्स को उठने नहीं देना है। हेड टच करेंगे सबसे पहले,
चीन टच करेंगे, अब धीरे से वापस हेड को नीचे रखेंगे और लेग्स को धीरे से खोल देंगे। अब यहां से हमें बैक को भी स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, सो लेग को बैंड करके हुए राइट लेग का नी बैंड करो और लेफ्ट साइड में झुका दो, बराबर है। अब जो आपका राइट वाला है हाथ है उसे ऊपर उठाओ और राइट साइड धीरे से लेकर जाओ, आपका हेड भी राइट साइड। क्या बात है, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच हो रहा होगा। अभी आपका जितने भी बैक के मसल्स है, ऑब्लिक मसल्स है, वो सब में अच्छे से लो बैक के मसल्स है, सारे मसल्स यहाँ पर स्ट्रेच हो रहे होंगे। बहुत बढ़िया, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। ये वाला लेग जो है वो जमीन से ऊपर उठेगा, तो जितना आपके लिए कंफर्टेबल है उसे नीचे दबा कर रखिए। क्या बात है, 5 सेकंड और, 4, 3, 2, स्लोली रिलैक्स, धीरे से राइट वाले लेग को सीधा कर दो, बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट वाला लेग है उसे उठाएंगे, बैंड करेंगे, राइट साइड उसे झुका देंगे हम इस तरह से, ये राइट वाले हाथ से इसे दबा लीजिए, लेफ्ट हैंड ऊपर कीजिए और लेफ्ट साइड लेकर जाइए। ये साइड मुझे ज्यादा टाइट लग रही है, अभी आपको भी वैसा होगा, एक साइड ज्यादा टाइट होगी। पांच सेकंड और, ये वाले हाथ से नी को थोड़ा सा दबा कर रखिए ताकि लो बैक के मसल से वो अच्छे से स्ट्रेच होंगे। 3, 2 एंड 1, बहुत बढ़िया, धीरे से रिलैक्स करना है। अब दोनों लेग्स जो है उसे बैंड कर लीजिए, आपके हिप के पास ले लीजिए, दोनों हाथ आपके बाजू में खोले हुए। अब लेग को राइट साइड झुकाइए, एक मिनट माइक दब रहा है, राइट साइड ट्विस्ट करना है, फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड हेड को लेफ्ट साइड लेकर जाओ, लेग को लेफ्ट साइड, हेड को राइट साइड, अच्छे से जैसे गन्ने का जूस कैसा निकलता है वैसे पूरे बॉडी को निचोड़ देगा ये। दो बार और करेंगे, और एक बार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब यहां से राइट वाला जो आपका लेग है उसे उठाकर लेफ्ट नी के पास में रख दीजिए पूरा, गुड। अब दोनों हाथ से लेफ्ट लेग की थाई को पकड़ते हुए आपकी ओर खींचिए, ध्यान रखना हिप्स को ऊपर नहीं उठाना है, हिप्स जमीन में लगाकर रखना है और जो आपका लेफ्ट लेग है उससे आपकी ओर खींचिए। आपके राइट वाले लेग में ये थाई के मसल्स जो है रोटेटर मसल से वहां पर स्ट्रेच फील होगा, यहां पर फील दैट, फील दैट। 5 सेकंड और करेंगे, होल्ड, 4, 3, 2 एंड 1, स्लोली रिलैक्स। अब राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर उठा लेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, लेफ्ट साइड हो रहे मसल्स में स्ट्रेच फील करो, रोटेटर मसल में स्ट्रेच फील करो। 5 सेकंड और, 4, 3, 2 एंड 1, बहुत बढ़िया, धीरे से रिलैक्स करेंगे हम। अब एक है, इसे बेबी रोलिंग भी कहते हैं, गबरू स्ट्रेच भी कहते हैं। दोनों ही नी को बैंड करके अपनी ओर पकड़ लीजिए, अब यहां से रोलिंग करना है लाइक दिस, बैक में अच्छे से मसाज हो रहा होगा, ऐसी फीलिंग आएगी, क्या बात है। और दो बार, और एक बार, सुपर। अब इसी जगह पर उल्टे सो जाओ, उल्टे उल्टे, यस, भुजगासन करेंगे, कोबरा पोज। दोनों अपने बैक और हाथ का मसल्स का यूज करते हुए बॉडी को ऊपर की ओर लेकर जाओ, श्या, अगर ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो दोनों पंजे है उसको जमीन में रख दो, ये थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। और जो शोल्डर्स आपके बिल्कुल ऐसे सिकुड़े हुए हैं उसे खोलिए,
बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट कीजिए, हाथ पर अपना वेट लीजिए। यस, 10 सेकंड इसे होल्ड करेंगे हम। नेक को ऊपर उठाइए, होल्ड हियर। अगर थोड़ा एडवांस बनाना है तो जो दोनों नी जमीन में है उसे उठा लीजिए जमीन से ऊपर और होल्ड 10 सेकंड। यहाँ से पीछे चले जाइए बालासन की स्थिति में, चाइल्ड पोज। दोनों ही हाथ को अपनी और बाजू में लेके आइए और यहाँ पर 5 सेकंड के लिए विश्राम कीजिए। फिर से हाथ आगे, बॉडी को आगे लेके जाइए। फिर से एक बार बालासन की स्थिति में, इस बार अपना जो हाथ है उसे स्ट्रेट रखिए और दोनों उंगलियों, दोनों हाथ की उंगलियों पे आ जाइए इस तरह से। एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, आपके लैट्स के मसल्स में, बैक में मसल में अच्छे से स्ट्रेच आएगा। फोकस हियर, फोकस शोल्डर जॉइंट पर फोकस कीजिए। 3, 2, 1, बहुत बढ़िया। कैट कैमल करेंगे। यस, यहाँ से बैक को नीचे लेके जाना है और नेक को ऊपर। अब बैक ऊपर, नेक नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। पूरी आपकी जो स्पाइन है उसकी मूवमेंट को फील करना है, बैक की स्टिफनेस है सुबह में या पूरे दिन के काम के बाद जो पूरी स्टिफनेस आ जाती है, जकड़ जाती है, वो काफ़ी अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी। वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहाँ के मसल से वो ढीले होंगे तो आपको काफ़ी बॉडी लाइट लगेगा। क्या बात, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, 60% से 50-60% एफर्ट से करना है। और दो बार करेंगे, 1, 2, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से पिजन स्ट्रेच, यहाँ से आपका जो राइट लेग है उसे आगे रखना है इस तरीके से और लेफ्ट वाले लेग को पीछे। आपका जो हाथ है उसे आप पैर के पंजे पे रख सकते हो ताकि अंदर ना चला जाए, है ना। सो इसे मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए। पीछे वाला पैर सीधा करना है तो कर दीजिए, अच्छे से हिप फ्लेक्सर में स्ट्रेच आएगा और ये वाले मसल्स में जो हिप एक्सटेंसर मसल से वहां पर स्ट्रेच आपको फील होगा, रोटेटर मसल में स्ट्रेच फील होगा। फोकस, 5 सेकंड और रखेंगे यहां पर, होल्ड। अगर आपको थोड़ा स्ट्रेच बढ़ाना है तो आप देखिए यहां पर जो मेरी स्थिति, अगर आप सीधा आपका हेड उठाओगे और बॉडी को नीचे की ओर दबाओगे तो स्ट्रेच ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, लोड बढ़ेगा। अपने लेवल के मुताबिक कीजिए, सुपर। अब यहां से लेग को छोड़िए, इस लेग को हम पीछे लेंगे और लेफ्ट वाले लेग को आगे लेंगे। यस, सुपर। पांच सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। पश्चिम मुखासन लेंगे, दोनों लेग सीधे रखना है, पंजे आपकी और, बैक स्ट्रेट। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, अब सांस निकालते हुए आगे की ओर, फॉरवर्ड, नीचे नहीं जाना है, फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड आगे की ओर। मैंने बताया अगर आपसे आपके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं तो आप नैपकिन का सहारा ले सकते हो, और अगर हाथ जा रहे हैं आगे 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 आगे, बहुत बढ़िया। पकड़ लीजिए, होल्ड करना है यहाँ पर 15 सेकंड के लिए, हम लोग होल्ड करेंगे। दोनों नीज जमीन से उठने नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, सुपर। होल्ड हियर, होल्ड हियर, होल्ड हियर। अब आप नीचे से भी पकड़ सकते हो और आपका जो
बॉडी है उसे आगे की ओर खींच सकती है, पंजों की तरफ, नीचे नहीं पंजों की तरफ, पंजों की तरफ। यस, होल्ड हियर 15 सेकंड। चाहो तो हेड को अब नीचे ले सकते हो इस तरह से। यस यस, Keep breathing. 5 seconds और, 4, 3, 2, and slowly. देख जाइए सवासन, ये तो सब लोगों का फेवरेट ही होगा। दोनों हाथ आपके बाजू में, दोनों पैर को बिल्कुल ही रिलैक्स कर, पूरी बॉडी में जो है ये प्रोसेस चल रही है, हार्ट बीट कर रहा है, सब कुछ ये बॉडी में हो रही तो ये था आज का हमारा फुल बॉडी स्ट्रेचिंग रूटीन, जो कि आपके बॉडी की स्टिफनेस को दूर करने में, आपको फ्लेक्सिबल एजाइल रखने में और आपको स्ट्रेस फ्री रखने में बहुत हेल्प करेगा। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके मम्मी पापा सिस्टर्स आपके फ्रेंड जिनको भी इस तरह के वर्कआउट से हेल्प मिल सकती है, उन सबको यह वीडियो भेजिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आपको हेल्दी और फिट बनाने की कोई कसर ना छोड़े। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट।